और इस ये जो ख्याल है मेरे आजाद ख्याल है, मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करना चाहता, किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता कि भाई लड़कियां ऐसी होती हैं ऐसी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर जो होती हैं उनके लिए लिखा है ये। आजकल की लड़कियां भी क्या गजब का इश्क निभाती हैं, मजबूरी मजबूरी बोल ना जाने कितने लड़कों का दिल तोड़ जाती है। भले ही खुद वाला हो लोयल, फिर भी इट्स माई चॉइस बोल एक साथ चार चार घुमाती हैं। भले ही खुद वाला हो लोयल, फिर भी इट्स माई चॉइस बोल एक साथ चार चार घुमाती हैं। लड़के कर दे भले ही अपना सब कुर्बान, फिर भी ये कहकर कि तुमने आज तक किया ही क्या है, ये सालों का रिलेशनशिप एंड कराती है। आजकल की लड़कियां भी क्या गजब का इश्क निभाती हैं, ये पहले खुद ही नजरें लड़ाती हैं और फिर लड़कों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाती हैं। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा कर पल भर में सारी कस्में और उम्मीदें तोड़ जाती हैं। आजकल की लड़कियां भी क्या गजब का इश्क निभाती हैं। और ये कहा करती हैं, वो कहती है ना कि बेबी तुम नहीं मिले तो मैं तो मरी जाऊंगी, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, तो उस पे है ये। और ये कहा करती हैं कि बेबी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, अगर तुम ना मिले तो मैं मर ही जाऊंगी। फिर शादी के दो दिन बाद वो ही माई हबीज बेस्ट इन द वर्ल्ड का स्टेटस लगाती है। आजकल ये वाली लाइन देखिएगा, ये मेरी फेवरेट लाइन है। क्या होता है कि रिलेशन में जब हम रहते हैं तो बच्चों के नाम वाम सोच लेते हैं, तो उस पे है कि बाबू बाबू कहकर बच्चों के नाम तक रख जाती हैं, बाबू बाबू कहकर बच्चों के नाम तक रख जाती हैं, फिर चंद लम्हों में रकीब के बच्चे खिलाती हैं। और ये देखिएगा, सच्ची घटना पर आधारित है। भले ही हो इनकी उम्र 24, फिर भी 17 बता लड़कों को पॉक्सो एक्ट में फंसवाती हैं। भले ही हो उम्र इनकी 24, फिर भी 17 बता लड़कों को पॉक्सो एक्ट में फंसवाती हैं। आजकल की लड़कियां भी क्या गजब का इश्क निभाती हैं। उसने कहा था कि तू तो काफी अच्छा दिखता है, तो तेरे को कोई भी मिल जाएगी, उस पे है। वो शख्स जानता था मेरे शरीर का हर एक तिल, फिर भी ना जाने क्यों तोड़ा उसने मेरा ये दिल। और बिछड़ते वक्त बड़ी तबीयत से कहा उसने, बहुत अच्छे दिखते हो नितिन, तुम्हें तो आसानी से आएगी कोई और मिल। एक आखिरी इसके साथ खत्म करता हूँ। वो जो पापा की परिया है ना, उनके लिए है ये। इन पापा की परियों का है बुरा हाल, इन पापा की परियों का है बुरा हाल, ये वो पंछी है आज इस डाल तो कल उस डाल। इनका मकसद है करना सिर्फ लड़कों को हलाल, और जरा भी नहीं होता है इनको इस बात का मलाल। इसलिए इनके चक्कर में आके तू खुद के साथ कभी गलत मत करना मेरी जान, क्योंकि घर पे इंतजार कर रही है माँ कि वापस कब आएगा मेरा लाल, कि घर पे इंतजार कर रही है वहाँ वापस कब। क्या होता है ना, काफ़ी मैंने देखे हैं, मैं भी उदयपुर था लास्ट ईयर, तब एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था लड़की के चक्कर में, उस पर लिखा था ये, थैंक टू ऑल अरुण भाई लव यू, और फर्जी लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं है और हमेशा साथ रहेगा, थैंक्स टू आशु भाई, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।